सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर जो सेल होती है उसके मार्जिन को कम या ज्यादा कैसे करते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ बीच में क्लिक कर दिया, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जब आप टेबल के बीच में कहीं क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दो नए टैब मिलते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, ये आपको तभी मिलेगा, ये मतलब ये दो टैब आपको तभी दिखाई पड़ेंगे जब या तो आप टेबल सेलेक्ट करेंगे या बीच में टेबल के कहीं पे क्लिक करेंगे। तो हमको जाना है लेआउट टैब पे। तो ये देखिए, लेआउट टैब हमने जब क्लिक किया तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। हमको चलना राइट साइड में और ये रहा सेल मार्जिन का ऑप्शन। ठीक है, बस इस पर क्लिक करिए तो ये देखिए छोटा सा एक बॉक्स ओपन होगा, छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से सेल की मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि टॉप साइड जो है ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे 2 टाइप कर देते हैं, उसके बाद आप देखिए जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेल का साइज है वो बदल जाएगा। देखिए ओके पे हमने क्लिक किया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल का मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।